हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किंजल और स्वागत है आपका किंजल्स क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो आज मैं आपके साथ दो DIY शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, जिनमें से एक है टर्बन मैन और दूसरा है ऑर्गेनाइज़र। तो इन्हें कैसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो फॉर आवर फर्स्ट DIY हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ये बॉक्स जो कि डबल बेड का है और हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो सोचा क्यों ना इसे एक नया लुक देकर ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। सो येलो कलर के दो कोट दिए हैं मैंने, एक कोट सूखने के बाद दूसरा कोट किया है और उसके बाद मैं इस पे वाटर मिलन की स्लाइस को ड्रॉ करूँगी। आप यहाँ अपने मन पसंद कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और डेकोपाज भी आप कर सकते हो। मेरे पास डेकोपाज अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी प्रिंट बना दी। तो दूसरे बॉक्स पे मैं सबसे पहले जैसो अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद पर ये चॉक पेंट इस पर अप्लाई करूँगी। ये चॉक पेंट भी मैंने होममेड ही बनाया हुआ है यूजिंग चॉक पाउडर। उसके बाद कागज़ का स्टेंसिल कटआउट निकाल कर उससे हम लेमन स्लाइस ड्रॉ करेंगे ताकि सारी स्लाइस एक समान रहे। यहाँ पर सारी पेंटिंग हो जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सब एक लाइन में नहीं बनानी चाहिए थी, थोड़ी इधर उधर छोटी मोटी बनानी चाहिए थी। लेकिन खैर, कभी कभी गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ही लग रहा था तो उसे भी मैंने अच्छे से पेंट कर लिया है। और इसे थोड़ा सा 3D लुक लेने के लिए मैंने होममेड क्ले की आउटलाइन बना ली है और इसे सब जगह नहीं लगाऊंगी, कहीं कहीं पे ही लगाऊंगी। एक्चुअली ऐसे तीन बॉक्स थे जिसमें से मैंने दो पे पेंट किया है और एक बॉक्स जो बचा है उस पे कुछ और डिजाइन क्रिएट करूंगी, वो फिर कभी शेयर करूंगी आपके साथ। सो इसे अच्छे से सूखने दें और तैयार है हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें आप अपने निक नेक चीज़ों को रख सकते हो। मैंने इसमें अपने आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज को रखा हुआ है। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फॉर द सेकेंड DIY मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड पीस, जिसपे टर्बन मैन को ड्रॉ करने के बाद उसके दो कटआउट्स निकाल लिए हैं और उसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका लूँगी ताकि एक मजबूत बेस तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने इस पर मास्किंग टेप भी लगा दिए ताकि इसकी कॉर्नर पे सही से फिनिशिंग आए। उसके बाद मैं इस पर होममेड जैसो अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए और हम इस पर अच्छे से पेंट कर सकें। जस्तो लगाने के बाद आपको इसे अच्छे से सूखने देना है और सूखने के बाद इस पे सारी डिटेलिंग ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप इस पे अपने फेवरेट कलर्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे येलो यूज़ किया है और इन्हें अच्छे से पूरा पेंट कर लूँगी, जो भी डिटेल्स है उन्हें सही से पेंट करना है। इसकी टर्बन को भी अच्छे से कलरफुल बनाएंगे ताकि ये खूबसूरत लगे और इनकी मूंछों को ब्लैक कलर कर दिया है। अब मैंने ये 3D आउटलाइनर घर पे ही बनाई है, जिससे मैंने इसकी सारी आउटलाइन पे लगा दिया है ताकि एक थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए।
नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट हिज टर्बन। तो इसे भी हम मिरर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसे सजा सकते हो। उसी 3D आउटलाइनर से मैं इस मिरर की भी आउटलाइन बना दे रही हूँ ताकि एक फिनिश्ड लुक मिले। छोटी छोटी चीज़ों से हम इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। सो इनकी टर्बन कंप्लीट हो चुकी है। अब वही जो 3D आउटलाइनर बची हुई थी मैंने उससे इनकी मूछों पे लगा दिया ताकि थोड़ी मूछें उभरी हुई दिखे। अब हम इस पे पदारोसा लिखेंगे। इसके लिए मैं ट्रेसिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी लिखावट जल्दी से हो जाए। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी जैसी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब बारी है इसे पेंट करने की, तो मैंने उसे भी पेंट कर लिया है और उसे भी ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दिया। अब एक होममेड क्ले से मैंने कुछ बीड्स बनाई हुई थी हैंगिंग के लिए, तो मैं सारे ये बीड्स वगैरह जो है उससे लटकन तैयार कर दूंगी। सो इसी तरीके से हम सारे लटकन तैयार कर लेंगे। अब हम इसे सेलो टेप की हेल्प से बैक साइड पर इसे चिपकाएंगे, थोड़ा अच्छे से चिपकाएंगे ताकि वो निकल ना जाए। और ऊपर पे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे भी एक डोरी लगा दी है। तो हमारे टर्बन मैन अब तैयार है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।